नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 जुलाई 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, नए शिक्षक भर्ती, बड़ी खुशखबरी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की तमाम बड़ी अपडेट को पहले हम आपके सामने रखते हैं। और आपको दोस्तों पहले बताना चाहेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं जो नई शिक्षक भर्तियां कितने पद अभी खाली हैं। 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। कब तक इन पर वैकेंसी आ सकती है, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में भी दोस्तों स्कूल चलो अभियान जारी हो चुका है, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक और बड़ी खबर, LPG सिलेंडर की कीमत 198 रुपए प्रति सिलेंडर तक घटी है। लेकिन कौन सा दोस्तों LPG होगा, कॉमर्शियल होगा कि नहीं, पूरी अपडेट को देखने वाले हैं। उसके बाद महंगाई भत्ते में भी हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, लेकिन जब आपको नौकरी मिलेगी तब इसका फायदा मिलेगा। एक और बड़ी खबर निकल कर दोस्तों आई सामने की प्राथमिक स्कूल की जमीन पर कब्जा कर चल रहा था मदरसा, दहाया गया। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी खबर इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 100 दिन होने पर प्रदेशवासियों को तोहफे की हरी झंडी, हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी या रोजगार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी खबरें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CM ऑफिस गवर्नमेंट UP की तरफ से दोस्तों एक ट्वीट आया था, जहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि जिन परिवारों में से अब तक किसी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, कहीं भी नौकरी या रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, शीघ्र उसकी मैपिंग का कार्य यूपी गवर्नमेंट के स्तर पर होने जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी या रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा जाए। तो दोस्तों ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। तो भैया ठीक है, जहां पर नौकरी नहीं है वहां पर उम्मीद है दोस्तों कि एक नौकरी मिल सकती है। उसके बाद आप LPG वाली दोस्त अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की तमाम बड़ी अपडेट को हम आपके सामने रखे। पहले बात ये होगी, हमारा जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, कब से आवेदन शुरू होंगे। ठीक है, देखिए सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं सुपर टेट या लेटेस्ट न्यूज को लेकर कि क्या अपडेट है सुपर टेट की। अब सुपर टेट का इंतजार क्यों, और आपको पता है क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर 1,26,000 पद खाली होने की बात हो रही। लेकिन एक बात और आपको यहाँ पर समझना है कि इतने ज्यादा पद खाली तो कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है। देखिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद हलफनामा दिया था कि 51,112 पद खाली हैं। तो कम से कम हम 51,000 की उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में 51,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, इतने पद कम से कम मान रहे हैं। उसके बाद 97,000 या 1,00,000 चाहे जितने पदों पर वैकेंसी आएगी उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, यहाँ पर DL और BEd करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। हाँ एक बात और है यहाँ पर दोस्तों की, जो हमारा BEd वाला मामला ठीक है हाईकोर्ट में गया है, उसकी जो भी अपडेट आएगी 14 जुलाई या दोस्तों जो भी मतलब सुनवाई का दौर शुरू होगा, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे कि BEd का भविष्य क्या है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। ठीक है, जब मामला कोर्ट में जाता है तो मामला गंभीर होता है गाइस, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। नहीं तो यूपी टेट का जो रिजल्ट आया था आपको पता है कि रिजल्ट में क्या लिखी है बातें। ठीक है, और जो भी बड़ी अपडेट होगी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो एक और दोस्तों यहाँ पर आप बात जरा आपको जानना जरूरी है, जो हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन आखिर वो कब तक आ सकता है। उम्मीद है दोस्तों कि हमारा जो जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि सेकेंड वीक तक हर हालत में, या उम्मीद है उससे पहले दोस्तों हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि जो सीटेट का पेपर है वो यूपी टेट के पहले होगा। एक बात यहाँ पर आपको ये क्लियर समझना चाहिए, ठीक है, सीटेट का पेपर यूपी टेट के पहले होगा। अब पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा उसकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। देखिए पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोरोना केसेस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल दोस्तों हमने कल कोरोना की जानकारी दी थी, तकरीबन 15,000 मामले इस समय आ रहे हैं पर डे के हिसाब से। तो उम्मीद है कि पेपर हमारा ऑफलाइन होना चाहिए, अगर केसेस बढ़ते हैं तो ऑनलाइन पेपर के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि इससे पहले भी आपने ऑनलाइन पेपर दिया है। और जिन बच्चों का सीटेट का एग्जाम नहीं निकला वो बच्चे बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। शिक्षक भर्ती 2022 का पूरा प्रोसेस वही दोस्तों रिपीट होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती का नियम। ठीक है, कोई नए नियम में मतलब उम्मीद नहीं है, मतलब कहने की ये था दोस्तों कि काफ़ी बच्चों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या टेट का नंबर, यूपी टेट या सीटेट जो भी अपडेट का नंबर मतलब टेट दिखाएंगे सुपर टेट में, क्या उसका नंबर जोड़ा जा सकता है भविष्य में। देखिए दोस्तों नियमों में बड़े बदलाव हो रहे हैं लगातार, और एक बात समझ लीजिए, जब ये दोस्तों जोड़ा जाएगा तो उससे पहले सरकार नोटिफिकेशन जारी जरूर करेगी, लेकिन हाँ समय आपको नहीं मिल पाएगा। मान लेते दोस्तों कि आपका भैया टेट में 100 नंबर है,
ठीक है, आपको लगता है चलो हमारा तो भैया क्लियर हो चुका है, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो चाहे आरक्षित वर्ग के हो, ठीक है, लेकिन जब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा ना तो उस समय फिर उसके बाद टेट का पेपर नहीं होगा, टेट का पेपर होने के बाद ही सुपर टेट आता है, फिर आपको मौका नहीं मिल पाएगा कि अगर नोटिफिकेशन ये बात लिख गई कि यूपी टेट या सी टेट का 1/4 नंबर मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, तब आप टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपका 100 नंबर है, आपके फ्रेंड का नंबर भैया 120 हो गया है सी टेट या यूपी टेट में, या 125 नंबर है, तब तो उनको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा ना। तो इन सब बातों को भी आपको यहाँ पर समझना चाहिए। तो गाइस अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आपको टेट का पेपर देना चाहिए साल में, भले आप सी टेट का दे चाहे यूपी टेट का, वैकेंसी तो आ नहीं रही, अगर आप सिर्फ वैकेंसी के इंतजार में, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 2019 में कोई वैकेंसी नहीं आई, 2020 का साल खराब चला गया, 2021 का साल खराब चला गया, 2022 चल रहा है, तो सोचिए कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही। अब सोचिए अगर आपका टेट उस समय 2019 में निकल चुका है तो क्या आप 2020-21 का पेपर नहीं दिए होंगे और 22 का भी नहीं देंगे, तो गाइस आपकी तैयारी खराब होती है। देखिए जो ये पेपर होता है ना इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, अभी आप टेट का पेपर देंगे उसके बाद जब सुपर टेट का सीधे पेपर आप देने जाएंगे वहां पर भी पेपर का पैटर्न सेम होगा, 150 क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं सुपर टेट में ज्यादा क्वेश्चन आते, लेकिन अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इन सब बातों का आपको जरा ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो तो बढ़िया ही है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर परिवार कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा कि हम लोग परिवार कार्ड जारी करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ा जाए। तो दोस्त ये बड़ी बड़ी खबरें हैं और उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चों को, जी हाँ दोस्त, जिन बच्चों के नौकरी नहीं है उनको जल्द से जल्द नौकरी मिले। अगर आपका डीएलएड या बीएड का कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग टेट की तैयारी के साथ साथ सुपर टेट की भी तैयारी करिए, ठीक है। और ये मान के चलिएगा दोस्त जब अब हमारी वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो दोस्तों जो इस समय हालात नजर आ रहे हैं तो वैकेंसी से पहले हमारा टेट का पेपर जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा लास्ट टेट का पेपर हुआ था वो काफ़ी समय हो चुका है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई नई शिक्षक भर्ती आती है उससे पहले एक यूपी टेट का पेपर होना स्वाभाविक अब लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है। लेकिन हाँ, अगर सरकार चाहेगी तो भैया बिना टेट पेपर कराए भी, ठीक है, आवेदन लिए जा सकते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल 1894 शिक्षक भर्ती है, जूनियर की जो वैकेंसी आई थी सभी बच्चों को लग रहा था कि उससे पहले टेट का पेपर होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अंतिम फैसला सरकार का होता है गाइस, एक बात इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, होता वही है जो सरकार चाहती है। अगर सरकार चाहेगी कि भैया वैकेंसी आना है, ठीक है, तो आ जाएगी, उसमें कुछ और चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नवाबगंज इलाके के परियावा में प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर कब्जा कर संचालित किया जा रहा मदरसा प्रशासन ने बृहस्पतिवार को बुलडोजर लगवाकर दहवा दिया। कार्रवाई के दौरान प्राथमिक विद्यालय की 10 बिस्वा जमीन मुक्त कराई गई, इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मामला था, तो अलग अलग जगह से अलग अलग अपडेट आती रहती है, कैसे बनेगी मेरिट आपकी नई शिक्षक भर्ती की, वही दोस्तों आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और डीएलएड या बीएड के नंबर जोड़े जाते हैं, 40% ये दोस्तों एकेडमिक हो गया, बाकी 60% सुपर टेट। अभी फिलहाल यूपी टेट या सी टेट का कोई नंबर नहीं जोड़ा जाता, लेकिन भविष्य में क्या होगा, ठीक है, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। सुपर टेट की पासिंग मार्क याद रखिएगा 97 नंबर जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए, बाकी 90 नंबर सभी आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए। यूपी टेट और सी टेट से ज़्यादा पासिंग मार्क है, अगर सी टेट की बात करें जनरल कैटेगरी में पासिंग मार्क 90 होता है, आरक्षित वर्ग में 82 नंबर, ठीक है, वैसे यूपी टेट में भी है। तो गाइस आज 1 तारीख हो गई है, वीडियो को शेयर करिएगा, अब जल्द से जल्द वैकेंसी के आसार हैं, तैयारी में लग जाइए, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस।